हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साग। कल हम बाजार से साग लेकर आए थे, तो आज बनाएंगे साग। उसमें से जो खराब पत्ते हैं मैं उनको बाहर निकाल दूंगी और साफ पत्तों को अलग कर दूंगी। ऐसे हम इस सभी गठियों को खोल लेंगे और इनको साफ कर लेंगे, साग को सारे को। हम सभी पत्तों को ना ऐसे सभी साग को ठीक कर लेंगे। पहले जो खराब पत्ता है, ऐसे जो ऐसा दिखेगा ना खराब पत्ता, उनको निकाल देंगे बाहर। ऐसे करके ना मैं सारा साग साफ कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। मैंने साग को ना सारा साफ कर लिया, अब इसको मैं धो लेती हूँ। मैंने ना सारे साग को धो लिया है, अब इसको काट लेती हूँ मैं। पहले ना कुकर में पानी डाल दूंगी 2 गिलास। अब ये गर्म हो जाएंगे और मैं इधर साग काट लेती हूँ। तब तक मैं साग को ना ऐसे चाकू से ही काट लेती हूँ, अच्छी तरह से काट जाता है चाकू से भी।
इसमें ना मैंने ये प्लेट रख ली है और अब मैं काटूंगी साग। इसमें ना चॉपिंग बोर्ड जो होता है ना बड़ा होता है तो प्रात में नहीं आता, इसलिए मैं प्लेट रख कर काट लेती हूँ। इससे भी अच्छी तरह से कट जाता है ऐसे। ऐसे कर ना मैं सारा काट लेती हूँ साग, फिर आपको दिखाती हूँ सारा काट कर। अब पानी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम साग जो हमने काट कर रखा है, ऐसे डाल देंगे। ऐसे काटते जाऊंगी और साथ में ना डालती जाऊंगी। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, और हमने ये चॉप कर कर रखा हुआ है प्याज और अदरक, वो भी डाल देंगे बीच में। ये अदरक और प्याज चॉप करा हुआ है उसको भी डाल देंगे। अब इसमें नमक भी डाल दूंगी, 2 चम्मच नमक डाल दिए। अब मैंने तो सारा साग इसमें डाल दिया, तो कुकर कर दूंगी बंद, ढक्कन लगा दिया। अब ना जब इसकी एक विसल आ जाएगी तो गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और 1 घंटा के लिए इसे रख देंगे होने के लिए, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। 1 घंटा पकने के बाद ना हमारा गैस साग बन गया। अब इसमें डाल देंगे हम चॉप की हुई हरी मिर्च, और आटा जिसे आलन भी कहते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आलन पा दे जावांगे ते इसमें ना कोट दे जावांगे। बस हूँ इसको कोट लवांगे, इसन कोटन तो बाद फिर 15 मिनट लई इसन गैस पर पकन लई सिजन लई रख देवांगे। साग में घोट लिया और हुण इसनू ना सिजण लई रख दांगे 15 मिनट लई। 15 मिनट सिजण तों बाद गैस कर दांगे बंद।
15 मिनट सीजन तो बाद ना हमारा साग बन गया। अब ये देखिए, और मैंने साथ में फ्रेश मक्खन भी निकाल लिया है, क्योंकि साग के साथ मक्खन बहुत अच्छा लगता है। और बाद में लगा दूंगी मैं तड़का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।